अगर आप आज रात के समय में पेट्रोल डलवाना चाहते हैं तो आप आज दिन में ही डलवा लीजिए, क्योंकि आप सभी को बता दूं कि आज रात को राजस्थान के अंदर 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक पेट्रोल नहीं मिल पाएगा। इसके पीछे की एक बड़ी वजह है जो पेट्रोल एसोसिएशन डीलर्स होते हैं उन सभी की मांगे हैं। और ये मांगे क्या बयां कर रही हैं, क्यों आखिरकार पेट्रोल नहीं मिलेगा, सीधा दिखाते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। राजस्थान में अगले 24 घंटे में पेट्रोल की बड़ी किल्लत होने वाली है। अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो जल्द ही अपनी गाड़ी में पेट्रोल फुल करवा लीजिएगा, क्योंकि राजस्थान के 6,700 पेट्रोल पंप 31 मई की शाम 8 बजे से 11 बजे तक बंद हैं। इसके साथ ही पेट्रोल पंप संचालक कल ईंधन भी नहीं खरीदेंगे। राजस्थान पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनीत बगई ने बताया कि प्रदेश भर के पेट्रोल पंप संचालक पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के विरोध कर रहे हैं, बावजूद इसके सरकार इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। इससे राजस्थान के 17 सीमावर्ती जिलों में 200 से ज़्यादा पेट्रोल पंप बंद हो गए। ऐसे में प्रदेश भर के पेट्रोल पंप 3 घंटे के लिए बंद रहेंगे ताकि अपनी जायज़ मांगों को सरकार तक पहुंचा सके। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।